हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों में अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसके लिए केवल अनुच्छेद है 32। कौन सा अनुच्छेद है? 32, ठीक है। और ये अधिकार ऐसा अधिकार है जो हमारे अन्य अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इस अधिकार को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा गया है। और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हमारे कौन से मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा अथवा हृदय कहा गया है। किस अधिकार को कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कथन किसने कहा था? संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो अधिकार है जो हमारे अन्य और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। ये अधिकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमारे अन्य अधिकारों को रोका जाता है, उनका हनन किया जाता है, उनको अतिक्रमण किया जाता है, तो यह अधिकार नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में स्थित है, और अपने अधिकारों की रक्षा की मांग सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि वास्तव में नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, और रक्षा करने के लिए वो रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? रिट, जिसको हिंदी में कहा जाता है लेख। अब क्या होती है रिट, वो अलग से एक वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और रिट है वो मुख्यतः तीन प्रकार की जारी की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेरण। ऐसी रिट है जो विभिन्न स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है, ठीक है। और संसद है ना, वो अधिकार देती है सर्वोच्च न्यायालय के अलावा और अदालतें हैं, जैसे अपना हाई कोर्ट है और जिला न्यायालय है, उनको भी ये अधिकार देती है। कौन सा की अधिकार? संसद देती है कि वह अपने क्षेत्र में अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वह उस नागरिक को मूल अधिकार दिला सकती है, यानी मूल अधिकारों को लागू करवा सकती है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य जो अदालतें हैं वो। और ये अधिकार कौन देता है? इन अदालतों को हमारी संसद देती है, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त हमारे देश के जो उच्च न्यायालय है ना, उनको भी अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मीन्स उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं, क्वेश्चन पहले बताया था मैंने, इसीलिए कहा जाता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही क्या है? नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने हमारे मौलिक अधिकार 6 के 6 पढ़ लिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो प्राय एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको नोट कर ले। ये नोट्स है वो स्थायी रूप से अपने पास रखे,
भविष्य में कॉम्पिटेटिव एग्जाम होंगे तो ये आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार लगभग हमारे पूरे हो गए। अब एक संपत्ति का अधिकार हटा था, उसके बारे में कुछ बताना है। मौलिक अधिकारों में रिट है, इनके बारे में बताना है। उसके बाद 32 के बाद मौलिक अधिकार संबंधित अनुच्छेद और है 35 तक के, वो बताने हैं आपको। और उसके बाद हम शुरू करेंगे नागरिकों के मूल कर्तव्य। ठीक है, तो आपको अभी तक के जो पॉलिटिक के टॉपिक करवाए गए हैं वो कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इनको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और फ्रेंड्स से भी बोले कि वो आगे से आगे शेयर करें ताकि हम और विद्यार्थियों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।